एचडी एक्स्ट्रा न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। 30 सितंबर इन सभी की डेडलाइन है। किसान 2000 रुपए, बैंक खाता, आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र किसान, ये पांच बड़े बड़े नियम है जिनकी 30 तारीख अंतिम तिथि है, यानी डेडलाइन है। विस्तार से संवाद में चर्चा करूंगा। 30 सितंबर से पहले पहले अपने ये काम निपटा लेना, बहुत जरूरी सूचना आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। एचडी एक्स्ट्रा न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको केंद्र में भारत सरकार की छोटी बड़ी योजना, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, कोई भी ऐसा योजना हो या केंद्र में मोदी सरकार की कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो साथियों, जिसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको फायदा हो, सटीक दूंगा, विश्वसनीय दूंगा, कोई सूचना बचने नहीं दूंगा, कोई छूटने दूंगा। अगर मेरे साथ जुड़े हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं चला कब आई कब चलेगी। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करना अधिक हौसला हिम्मत में ताकत देता है। ऐसा नहीं, बहुत यूट्यूबर होता है ये है वो मोदी, ये मोदी ये कर दिया, वो कर दिया, ये जल्दी करो, ये करो, ये नहीं करता मैं भाई। जो दिखाऊंगा भैया पांचों छह दिखाऊंगा, तथ्य आधारित दिखाऊंगा, तथ्य दिखाता हूं मैं। अब शुरू करते हैं, सबसे पहले 2000 रुपए के नोट की बात कर लेते हैं साथियों। 2000 रुपए के नोट की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। उन फिर नोटबंदी, 2000 का नोट वापिस लेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकेंगे नोट। 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये 2000 रुपए के जो नोट है इनको वापिस लेने का ऐलान किया है और इसके लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर दी थी। उन्होंने कहा था किसी भी बैंक से जाकर आप 2000 रुपए के नोट के बदले में 500 का नोट ले सकते हो। 1 अक्टूबर से ये नोट चलन के बाहर हो जाएगा। अभी तक केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी कोई तिथि नहीं बढ़ाई है, अभी तक इसकी 30 सितंबर ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है लगभग 89.23% जो नोट है 2000 के वापिस आ चुके हैं। अब भी 10% नोट जनता के पास है, वो इसे जमा कराए। 10% की राशि बहुत बड़ी राशि हो जाती है 2000 के नोट की। ये इसीलिए बंद किया क्योंकि इससे काला धन अधिक जमा होने की संभावना है। 2000 का नोट कितना ही काला धन व्यक्ति घर के अंदर दबा सकता है, छिपा सकता है। तो ये आपके समझ में आ गई होगी, जिसके पास 2000 का नोट है अपना 2000 का नोट अपने नजदीकी बैंक के अंदर जाए, अपना 2000 का नोट बदलवाए। तो पहला नियम क्या हो गया, 30 सितंबर अंतिम डेडलाइन, ये आपका हो गया। अगली खबर चलते हैं, राशन कार्ड और आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड। बीपीएल राशन कार्ड को लेकर लास्ट डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई थी, 30 जून इसकी अंतिम तिथि थी, इसे बढ़ाकर केंद्र सरकार ने फिर इसे 30 सितंबर कर दिया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का एक्सटेंशन इसकी तारीख को दे दिया था। किस बात के लिए दिया था, द लास्ट डेट टू लिंक योर राशन कार्ड एंड आधार कार्ड वाज जून 30, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नाउ एक्सटेंडेड द डेडलाइन अंटिल सितंबर 30, 2023। यानी 30 सितंबर इसकी आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक करने की जो अंतिम तिथि थी बीपीएल राशन कार्ड से, वो आपकी 30 जून थी, बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। बहुत अभी कुछ ही स्टेटों में, हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऑल इंडिया के अंदर प्रथम प्रदेश है जिसके अंदर 100% जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि वहां फैमिली आईडी नामक एक आईडी होती है, उन्होंने वो अप्लाई किया है। बाकी अन्य राज्यों के अंदर अभी आधार कार्ड में जितने भी मेंबर हैं उनका लगभग आप 62% आज तक का जो डाटा है, अभी 38% ऐसे राशन कार्ड है जो आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। इसको लेकर कड़े नियम केंद्र सरकार कर सकती है, ये इसीलिए लिंक करा रही है क्योंकि एक राशन कार्ड 50-50 लोग, 30-30 लोग, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, तो उसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए माननीय केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। तो आगे बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती वो हम नहीं कह सकते। वर्तमान में 3 सितंबर है, 30 सितंबर आपका बीपीएल कट सकता है, फिर आप दोबारा बीपीएल राशन कार्ड अपना ऐड करवाते घूमेंगे। ये भिन्न भिन्न जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, द क्विंट, जागरण, पूरा तथ्य देता हूं, ऐसा नहीं भाई, पूरा तथ्य है। आधार राशन कार्ड लिंकिंग, ये यू कैन लिंक आधार टू राशन कार्ड बाय सब टाइम द थिटी, हिंदुस्तान टाइम्स, जी न्यूज, बिजनेस लाइन, न्यूज 18, पूरी ये पूरी की पूरी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। तो साथियों अगली खबर की ओर चलते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जन्म प्रमाण पत्र को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है और हाल ही में जो मानसून सत्र हुआ था उसमें भी संसद के अंदर बड़ा बदलाव, जन्म पत्र को बहुत बड़ी
ताकत, बहुत बड़ी शक्ति केंद्र सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र को दे दिया है। पहले एक एक उसके लिए 10-10 कागजों की आवश्यकता होती थी, अब वो 10-10 कागजों की आवश्यकता खत्म कर दी, अब सिर्फ आधार ये जन्म पत्र अनिवार्य कर दिया। ये 1 अक्टूबर से ये नियम जो है लागू हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर से एकल दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। एकल मतलब अकेला, ये अकेला जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है इकल्ला दो सीधा आपका बनेगा, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 200, ये आईडी लाओ, वो आईडी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, उन सब से छुटकारा कह दिया केंद्र सरकार ने, सिर्फ एक, बस ओनली एक। ये आप देख सकते हो एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र का। शैक्षणिक संस्थानों में आपको दाखिला लेना हो, स्कूल कॉलेज में जन्म प्रमाण पत्र दिया, अन्य डॉक्यूमेंट्स की कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, मतदाता सूची, वोटर आईडी कार्ड बनवाना हो, ओनली ड्राइविंग लाइसेंस, ओनली जन्म प्रमाण पत्र। विवाह पंजीकरण कराना हो, इतनी फाइलें बनती हैं विवाह पंजीकरण की, इतने दस्तावेज लगाए जाते हैं, अब जन्म प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा। राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या केंद्रीय राज्य सरकार किसी भी उसके तहत नियुक्ति का मामला हो तो ये, पासपोर्ट आवेदन का मामला हो, आधार कार्ड बनवाना हो तो ये जो है अकेला दस्तावेज के रूप में। अब तक सभी को बनवाने के लिए कम से कम 3-4 डॉक्यूमेंट्स, किसी भी आईडी को आप बनवाओगे 3-4 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, अब वो आवश्यकता खत्म कर दी है। 1 अक्टूबर से ये नया नियम जो है लागू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसे लोकसभा के अंदर रखा था। अगली खबर की ओर चलते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। भाई गला बैठ जाता है, चैनल सब्सक्राइब कर देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ₹2000 इसके तहत मिलते हैं, सालाना ₹6000 इसके तहत आपको दिए जाते हैं। प्रत्येक 4 महीने में किस्त डलती है, 13वीं किस्त आपकी 27 फरवरी को आई, 14वीं किस्त आपकी 27 जुलाई को आई, अभी 21 अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आपकी आने वाली है। तो इसको लेकर केंद्र सरकार ने नए नियम वो कर दिया है बार बार, और इसको लेकर शुरुआत में जब थे लगभग 17.5 करोड़ पीएम किसान किस्तें आई थी, लेकिन ईकेवाईसी ना करवाने के कारण, ईकेवाईसी मतलब होता है सीएससी पे जाकर आपको अंगूठा लगाना होता है, 1 मिनट में आपकी ईकेवाईसी होती है, तो लगभग 7 करोड़ लोगों की कट चुकी है और अब 79 लाख लोगों की 15वीं किस्त नहीं आएगी अगर ईकेवाईसी आपने नहीं करवाई है। 15वीं किस्त कि पाने के लिए 30 सितंबर तक कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेंगे ₹2000। कौन सा काम ये करवा रहा है, ये ईकेवाईसी करवा रहे हैं। तो 30 सितंबर इसको लेकर डेट रखी हुई है, अपनी ईकेवाईसी 30 सितंबर से पहले पहले कर लें। किसान नोट कर लें 30 सितंबर की तारीख, इसके बिना खाते में नहीं आएंगे 2000। तो जिसने भी ईकेवाईसी नहीं करवाई अपनी ईकेवाईसी करवाएं। साथियों जिन्होंने करवा ली थी पहले ही उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था, उसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने ईकेवाईसी बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दिया था इसके अंदर, ताकि एक व्यक्ति एक ही किस्त ले। तो अगली खबर की ओर चलते हैं, ये एक बैंक के खाता से आपके रिलेटेड खबरें हैं, जो आप 5वां बड़ा नियम हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सेविंग खाता में आधार अब अनिवार्य कर दिया गया है और इसकी अंतिम जो वो है वो 30 सितंबर है। छोटी बचत योजनाओं में अब आधार जरूरी हो गया, जैसे PPF जैसी वो है, SSY हो या पोस्ट ऑफिस की जितनी भी योजना है उनमें आधार की जानकारी देना अनिवार्य करता है। अगर आप ऐसा काम नहीं करते तुरंत बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर इस जानकारी दर्ज करवाएं, वरना 1 अक्टूबर से इन खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी 30 सितंबर तक का आपके पास समय है, उसके बाद अगर आप नहीं करते हो आपका बैंक जो खाता है ये फ्रीज कर दिया जाएगा। म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है, 30 सितंबर तक इसकी भी हुआ है अंतिम तिथि। डीमैट और ट्रेडिंग खाते के अलावा म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनेशन को जरूरी कर दिया है, इसके लिए सेबी ने 30 सितंबर की डेडलाइन तय की है। अगर आप तय समय सीमा में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरा नहीं करते हैं तो आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा, इसके बाद इसमें निवेश या किसी तरह का खाता आप वो नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड हो, डीमैट हो, ट्रेडिंग, भारतीय प्रतिभूति और विनियमीय बोर्ड सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खाते में नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है, इसकी डेडलाइन 30 सितंबर की तय की है। तो साथियों ये बड़ी बड़ी अपडेटें थी, बड़े बड़े नियम थे केंद्र व भारत सरकार के, जो विस्तार पूर्वक हमने आपको दिए हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगेगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।